क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन बेहद शानदार हुआ और जबरदस्त राइवलरी देखने को मिली। इंदौर टेस्ट में पहले दिन का पहला सेशन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा, या यूं कहा जाए कि पहला पूरा दिन ही टीम इंडिया के नाम रहा तो गलत नहीं होगा। बांग्लादेश ने सुबह टॉस जीता और फिर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश को छठे ओवर में ही पहला झटका लग गया और उमेश यादव ने यहां पहला विकेट झटका। वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में ईशांत ने बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका दे दिया। बांग्लादेश की टीम शुरुआत में ही दबाव में आ गई और फिर मोहम्मद शमी ने मिथुन के रूप में तीसरा विकेट लेकर लंच से पहले बांग्लादेशियों की कमर तोड़कर रख दी। लंच से पहले के सेशन में 26 ओवर हुए और बांग्लादेश की टीम के 3 विकेट पर 63 रन ही बन पाए। इसके बाद दूसरे सेशन में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अच्छा इंटेंट दिखाया। कप्तान मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम ने सदी हुई बल्लेबाजी की। यहाँ विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने भी कैच छोड़े, लेकिन यहाँ अश्विन ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अच्छा खेल रहे बांग्ला कप्तान मोमिनुल हक को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और मोमिनुल को शानदार अंदाज में आउट किया। इसके बाद एक बार फिर से अश्विन ने मदमदुल्ला को 16वें ओवर में अपना निशाना बनाया और 10 रन बनाकर चलता किया। ये भारत का 5वां विकेट था। अब इसके बाद तो शमी का जो तूफान आया वो हर किसी ने देखा। शमी ने लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट चटक लिए। 54वें ओवर की 5वीं बॉल पर शमी ने पहले हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच चुके मुशफिकुर रहीम को अपना शिकार बनाया और इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर मेहंदी हसन मिराज को बिना खाता खोले ही आउट कर दिया। अब यहां सबको शमी की हैट्रिक का इंतजार था, मगर टी ब्रेक के बाद ईशांत ने बॉलिंग संभाली और पहली ही बॉल पर लिटन दास को कोहली के हाथों कैच करा दिया। यहां बांग्लादेश ने 140 रन पर अपने 8 विकेट गंवा दिए। इसके बाद उमेश यादव ने आखिर के 2 विकेट अपने नाम किए। उमेश की बॉल पर तिजुल इस्लाम को डीप फाइन लेग पर खड़े जडेजा ने डायरेक्ट थ्रो की कोशिश की। हालांकि रिद्धिमान साहा ने बिल्कुल सटीक टाइमिंग के साथ बॉल को ग्रैब किया और बेल्स को बिखेरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वहीं आखिरी विकेट के रूप में उमेश की बॉल पर इबादत हुसैन चलते बने। यहां बांग्लादेश की टीम ने पहले दिन 58.3 ओवर खेले और 150 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारत की बैटिंग का लुत्फ दर्शकों ने उठाया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।